मैं सिटी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में स्टाफ मेंबर का काम करता हूँ। 5 साल हो चुके हैं, पर मुझे आज भी उस घटना के बुरे सपने आते हैं। मुर्दा घर बिल्डिंग के बेसमेंट में है। मैं 28 साल का नौजवान हूँ। मुझे ऐसी जॉब से दिमागी परेशानियों के बारे में पता था। 12 घंटे एक मुर्दा घर में बिताना कोई मनोरंजन की बात नहीं है, और ये बात सच है। मेरे जॉब के स्टार्टिंग में मुझे अक्सर डे शिफ्ट मिलती थी। वहाँ बिना किसी परेशानी से 2 साल बिताने के बाद एक बार मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कॉल किया और एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा, जो आदमी नाइट शिफ्ट में काम करता था उसने रिसेंटली जॉब छोड़ दी है, तो उसकी जगह उन्हें कोई चाहिए जब तक कोई नया एम्प्लॉय नहीं आ जाता। मैंने अपनी हायर अथॉरिटीज को इम्प्रेस करने के लिए हाँ बोल दिया और उन्होंने मुझे नया शेड्यूल हैंडओवर कर दिया। मुझे नाइट शिफ्ट के लिए नियुक्त कर लिया गया था, जो शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक था, एक हफ्ते तक। पहले 3 दिन हमेशा की तरह गुजरे, पर सच कहूँ तो रात को डरावना लगता था। टाइम पास करने के लिए मैं मुर्दा घर में घूम लेता था। कभी कभी मैं इमरजेंसी वार्ड चले जाता, जो मुर्दा घर के एकदम ऊपर था। एक रात मैं अपने केबिन में बैठा रिपोर्ट्स लिख रहा था कि तभी मेरे कलीग ने मुझे इमरजेंसी वार्ड में आने को कहा। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि केबिन नंबर 3 के पेशेंट की तभी मौत हुई थी। उस आदमी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने 3 नंबर केबिन से 2-3 डॉक्टर्स को आते देखा। उनकी व्हाइट जैकेट खून से भरी हुई थी। मुझे डेड बॉडी को मुर्दा घर ले जाने के इंस्ट्रक्शंस मिले और पोस्टमार्टम अगले दिन सुबह होना था। मैंने बहुत सी डेड बॉडीज देखी है, पर जैसे ही मैं केबिन में घुसा मेरा दिल धड़कना बंद हो गया और आंखें फटी रह गई। मुझे पूरी कटी हुई डेड बॉडी बेड पर मिली। बेड पूरा खून से भरा हुआ था। उसके कटे हाथों और पैरों से मांस निकल रहा था। पर वो सबसे डरावनी चीज नहीं थी। मैंने जैसे ही उस आदमी का चेहरा देखा मैं हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा हुआ था और मुंह पूरा खुला हुआ था। वो आदमी मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें खुली थी और वो मरा हुआ था। फिर भी एक पल के लिए मुझे लगा वो आदमी मेरी तरफ देख कर पलक झपका, कि तभी मेरे कलीग ने मुझे बुलाया और मैं अपने होश में वापस आया। मेरे कलीग ने कहा, चलो जॉन, किसका वेट कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा और अपने काम पे लग गया। मैंने उस लाश को स्ट्रेचर पे लटकाया और मुर्दा घर की तरफ ले गया। मैंने लिफ्ट ली। लाइफ में पहली बार मैं एक खाली लिफ्ट में अजीब सा महसूस कर रहा था, वो भी एक लाश के साथ। मुर्दा घर पहुंचकर बॉडी के कवर को खोला और फिर से वो डरावना चेहरा मेरे सामने आया। मैंने बॉडी को वॉल्ट में रखा और अपने केबिन में वापस आ गया। मैं बैठा और वापस रिपोर्ट्स लिखने लग गया। बेसमेंट में बिल्कुल सन्नाटा था। जनरली मुर्दा घर में ऐसा ही रहता है, स्पेशली रात में, पर उस रात के सन्नाटे से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। पता नहीं मैं कब तक काम करता चला गया कि अचानक एक आवाज से मेरा ध्यान हटा। मुझे बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। मैं उठा और अपने केबिन के बाहर आ गया। वो कमरा जहाँ डेड बॉडीज रखी जाती है वो कॉरिडोर के एंड में ही है। मैंने देखा सब दरवाजे बंद थे और कॉरिडोर पूरा खाली था। मैं मेन कमरे की तरफ जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। मैंने अपने आप को इन सब फालतू बातों को सोचने के लिए ब्लेम किया। मेन कमरा एकदम ठीक था, सब कुछ अपनी जगह पे था। सिर्फ वॉल्ट नंबर 3 का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। ये वही वॉल्ट है जहां मैंने उस आदमी की लाश कुछ घंटे पहले रखी थी। थोड़ा घबराते हुए मैं उस वॉल्ट के पास गया और स्ट्रेचर बाहर खींचा। उस आदमी की बॉडी वही पड़ी थी, पर इस बार उसका खुला मुंह बंद था। और सिर्फ वही नहीं, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट भी थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी मरी हुई आंखों से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने अपने आप से कहा, ओ शिट, मैं घर जा रहा हूं। मैंने उसी समय स्ट्रेचर को वापस अंदर डाला और घर जाने का डिसाइड किया। मैंने अपने सुपरवाइजर को कॉल करके कहानी बनाने का सोचा कि मेरी तबीयत खराब है। मैं दरवाजे के पास पहुंच गया था कि तभी मेरे पीछे से मुझे कुछ आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा और देखा वो आदमी रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, जैसे कोई जहन्नुम का जानवर हो। उसकी पूरी बॉडी खून से लटपट थी। उसकी आंखें अब और भी फटी हुई थी। लग रहा था कि वो कभी भी बाहर आ जाएगी। मैं हिल नहीं पा रहा था और इस घटना को अपनी आंखों के सामने होते देखता रहा। वो आदमी बाहर आया और जमीन पे खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से खून टपक रहा था। उसके नीचे जमीन पूरी खून से लाल हो चुकी थी।
मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम तो मर चुके हो। पर उस आदमी ने धीमी और अजीब सी आवाज में जवाब दिया, तुम जानते हो मरने की सबसे अच्छी बात क्या है? तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं एक जिंदा लाश के सामने खड़ा था। मैं चिल्लाने ही वाला था कि वो आदमी मेरे शक्ल के एकदम सामने आ गया। मैं समझ नहीं सकता था कि उसने ऐसा कैसे किया, पर ऐसे लगा जैसे वो हवा की तरह आया और सीधा मेरे मुंह के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें मेरे आंखों के सामने थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने उसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? प्लीज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस आदमी ने अब ऊपर देखा और कहा, मुझे गाड़ी में बैठने से पहले जहर दिया गया था। उनसे कहो कि पोस्टमार्टम चेक करे, उनको सच्चाई का पता होना चाहिए, वरना मैं उस औरत को भी आजाद कर दूंगा। मैं उसे पूछने ही वाला था कौन, पर अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और मैं पीछे मुड़ा। मैंने देखा मेरा कलीग कुछ डॉक्टर्स के साथ मेन रूम की तरफ आ रहा था। उसने मुझे कहा, जॉन तुम अभी तक यहाँ हो? यहाँ आज कुछ काम नहीं है, तुम जल्दी जा सकते थे। मैंने वॉल्ट की तरफ देखा और ऐसा लगा जैसे यहाँ अभी कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ ना कोई खून का निशान था, ना उस आदमी का। मेरा दिमाग खराब हो चुका था और मैं अपनी केबिन की तरफ जाने लगा। पर जाने से पहले मैंने अपने कलीग और उन डॉक्टर्स से कहा, मुझे नहीं पता पर ऐसे लगता है जैसे इस आदमी की मौत के पीछे कोई और कारण था, वो सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से नहीं मरा। उन सब ने मुझे हैरानी से देखा। मैं अंदर गया, अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल गया। अगली सुबह मुझे मेरे कलीग ने फोन किया। उसने कहा, ओ माय गॉड जॉन, तुम्हें कैसे पता चला? वैसे भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाता, पर तुम्हें इतना यकीन कैसे था? पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहता था, तो मैंने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे कलीग ने जवाब दिया, वो आदमी जिसकी बॉडी एक्सीडेंट में कल रात मिली। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसकी गाड़ी में बैठने से पहले ही उसे जहर दिया गया था। ये अब एक क्रिमिनल केस बन गया है, हॉस्पिटल में पुलिस ही पुलिस है। मुझे डर के मारे पसीना आने लगा। इसका मतलब ये था कि वो सब कुछ एक्चुअली में हुआ था। उस आदमी का भूत मेरी आंखों के सामने था। मैं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। मुझे ये समझने में समय लग रहा था कि मैंने ना ही सिर्फ एक अलौकिक घटना देखी, पर उस आदमी की आत्मा से भी बात की। केस कुछ समय तक चला और फिर पुलिस ने उस आदमी की गर्लफ्रेंड को अरेस्ट किया जिसने उसे वो जहर दिया था उसके घर से निकलने से पहले। मुझे समझ आया जब उस आदमी ने बोला वो औरत, उसका मतलब वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। मैंने इस घटना के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़ी। वो आदमी मुझे एक बार फिर मिला जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड को फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज के लिए अरेस्ट किया गया था। मैं मुर्दा घर में एक और नाइट शिफ्ट कर रहा था और मैंने वॉल्ट नंबर 3 में एक लाश डाली ही थी। मैं जैसे ही अपने केबिन में जाने के लिए मुड़ा, मैंने देखा वो आदमी मेरे सामने लिफ्ट के पास खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पे एक बड़ी मुस्कान थी। उसकी बॉडी पहले की तरह कटी नहीं थी, पर उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी वो बड़ी मुस्कान मुझे आज भी डरा के रख देती है। मैं बस वही खड़ा रहा क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो मुझसे मिलने फिर से आएगा। पर इस बार उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ उठाया। उसमें से मांस निकल रहा था और अंदर की हड्डी भी दिख रही थी। फिर उसने मुझे बाय किया और हवा में ही कहीं गुम हो गया।